जैन दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज हम टॉपिक क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, नेबरिंग कंट्री में पांचवा देश या छठा देश। मुझे लग रहा है हम सिक्स्थ नंबर की कंट्री कर रहे हैं सर। पांचवा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। बस चार हो चुके हैं, पांचवा डिस्कस करेंगे और टाइम बचेगा तो छठा भी डिस्कस करेंगे। ये हमारा इंडिया और ये इधर म्यांमार। कौन कौन इनके नेबरिंग कंट्री दिख रहे हैं आपको? इधर इंडिया दिख रहा है, चाइना दिख रहा है, बांग्लादेश दिख रहा है और थाईलैंड, लाओस, वियतनाम नहीं, लाओस। ये किधर की तरफ है? तो साउथ एशिया का पार्ट है, तो चाहे तो लिख सकते हैं ऑफिशियली इट इज अ पार्ट ऑफ साउथ एशियन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट एशियन नेशन का अंग है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियन नेशन का अंग है, दक्षिण पूर्व एशिया का। आपको याद हो म्यांमार पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, तो लिख लेंगे म्यांमार वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। म्यांमार को उन्नीस में भारत से अलग किया गया। म्यांमार वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया इन 1937, 1937 में अलग किया गया बाय ब्रिटिश इंडिया एक्ट, ब्रिटिश भारत अधिनियम, बाय ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, 1935 के अधिनियम से, बाय ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। एक्ट पास हुआ 35 में और लागू हुआ 37 में। चलो, कैपिटल लिख लो। इसकी राजधानी नेपिड है। एंड लार्जेस्ट सिटी इज रंगून। सबसे बड़ा शहर रंगून है, लार्जेस्ट सिटी इज रंगून। तो एक राजधानी कई बार पूछा है एसएससी ने कि इसकी राजधानी क्या है, नेपिड और लार्जेस्ट शहर रंगून है। जनरली मैक्सिमम देशों में क्या है, राजधानी और लार्जेस्ट शहर सेम ही है, कहीं कहीं अलग है, तो वो हमारे एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। हमने बता ही दिया कि 37 में अलग हो गया था, तो बाद में ये भारत से अलग किया गया था, लेकिन गुलाम तो था ही। तो कब इंडिपेंडेंट हुआ, तो लिख लेंगे म्यांमार इंडिपेंडेंट इन 1948। म्यांमार को स्वतंत्रता 1948 में मिली थी। म्यांमार के साथ दिक्कत क्या रहा है कि वहां की जुंटा सरकार है। जुंटा क्या होता है? आर्मी रूल है ना, जुंटा सरकार, आर्मी रूल। तो बीच में 1962 में जुंटा बना था और 2011 तक जुंटा ही बना रहा, और अभी बहुत बढ़िया चल रहा था 10 सालों तक, लेकिन अभी लगभग 2 महीने पहले
फिर वहां चुंटा हो गया तो लिख लेंगे प्रेजेंटली म्यांमार है जुंटा गवर्नमेंट, वर्तमान में म्यांमार में जुंटा सरकार है। जुंटा सरकार है, जुंटा मींस मिलिट्री रूल, यहां जुंटा का अर्थ है मिलिट्री शासन। सबसे वाली मजे वाली बात क्या है कि ये ब्रिटेन का गुलाम रहा लेकिन ये कॉमनवेल्थ का मेंबर नहीं है। हमने पढ़ा था कि वे देश जो ब्रिटेन के गुलाम होते हैं वे जनरली कॉमनवेल्थ के मेंबर हो जाते हैं। तो लिख लेंगे म्यांमार इज नॉट द मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ। हाँ, मुखर्जी नगर शॉप पे मिल जाएगी जीएस की बुक, वहां पे है, हमारे पास खत्म हो गई। नॉट द मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ। भारत कॉमनवेल्थ का मेंबर है? नहीं है, है। चलिए, लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप, सबसे बड़ा नस्ली समूह इनका कौन सा है? बामर एंड सान। बामर एंड सान, सभी क्लासेस यूट्यूब पर होंगे? नहीं, सभी क्लासेस यूट्यूब पे नहीं हो पाएंगी, 5G क्लासेस में थोड़ी टेक्निकल इशू है, इस वजह से यहाँ पे ले रहे हैं। इसका स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी पहले से डाला हुआ है, आप ले सकते हैं वहाँ से। रिलीजन, सबसे ज़्यादा कौन से धर्म को मानते हैं ये? बुद्धिज़्म। आन सान सूकी को फिर नजरबंद कर दिया गया, बुद्धिज्म, और दूसरा क्रिश्चियनिटी। एक रोहिंग्याज नहीं सुना होगा आपने, वो यहीं से भगाए गए। उधर जब अफगानिस्तान में बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी थी बामियन ने, तो फिर इन लोगों को लगा कि जब हमारे महात्मा बुद्ध का सम्मान नहीं है इस्लामिक कंट्री में, तो हम इस्लाम को ना मानने वाले लोगों को, इस्लाम को मानने वाले लोगों को अपने देश में शरण नहीं देंगे, और फिर यहाँ पर मारकाट शुरू हुई और बाद में वहाँ के लोगों को इधर उधर भागना पड़ रहा है। दिल्ली में आगे, भारत में आगे, बांग्लादेश में चले गए, जहाँ जिसको मौका मिला भाग के। गवर्नमेंट बाई कैमरल लिख लोगे, सरकार, अब ये सब काम का नहीं है। सरकार द्विसदनी है, इंडिपेंडेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, रिपब्लिक है, यानी भारत वाला ही है। ऑनलाइन स्ट्रेटेजी के पेड बैच आप श्योर 60 से परचेज कर सकते हो। लिखे लेजिस्लेचर क्या कहलाता है? संसद, इनका नाम क्या है? असेंबली ऑफ द यूनियन। संसद का नाम असेंबली ऑफ द यूनियन। एंड अपर हाउस, हाउस ऑफ नेस्ट लिस्ट। एंड लोअर हाउस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सब इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं।
यहाँ पर सबसे मज़े वाली बात क्या है, चाहो तो लिख सकते हो अपर हाउस में 224 मेंबर एंड लोअर हाउस में 440 मेंबर। टू ट्वेंटी फोर एंड 440, टू ट्वेंटी फोर का 25% होगा क्या 56? 224 का 25 कितना होगा? 56 होगा क्या? नो, क्या इतना ही होगा? निकम्मे होगा नहीं, 112 और 224, क्या आप मैथ पढ़ लो निकम्मे तुम? 440 का 25% वन में जीरो होगा क्या? कदे नहीं होगा, होगा? तो ये 25% सीटें जुंटा ने अपने लिए रिजर्व रख रखी, तो लिख लेंगे 25% सीट्स रिजर्व फॉर इंग्लिश की क्लास तब शुरू होगी जब सर की तबीयत ठीक होगी। सर अभी बीमार चल रहे हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते, कब, अगले 2-3 दिन में हो सकता है, अगले 10 दिन में भी हो सकता है। तो 25% सीटें किसने, जुंटा ने अपने पास रिजर्व रख ली है, बाकी 75% जनता के द्वारा चुनी जाती है। शुरुआत इनकी काफी पुरानी है, इंडिपेंडेंस इनको मिला था 4 जनवरी 1948 को। बर्मा से इसका नाम, नया नाम म्यांमार हो गया। कूप डी एट का मतलब है जुंटा रूल। और ये लिख लो, रिनेम्ड फॉर बर्मा टू म्यांमार इन 1889, जब ये आए थे आन सान सू की, तो लोगों ने कहा था कि नाम को बदल के दोबारा बर्मा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे विवादों में पढ़ना पसंद नहीं करती हूँ जिसकी वजह से फिर डिस्प्यूट जनरेट हो, क्योंकि म्यांमार नाम जुंटा सरकार ने दिया था और उनका ऑलरेडी 25% रिप्रेजेंटेशन था, तो उन्होंने विवादों से बचने का प्रयास किया। ये लिख लोगे, साओ स्वे थिक एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड यू नू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। सोनू जहांगीर वीडियो दोबारा देखो, जो बोल रहे हो सब पढ़ा रखा है हर टॉपिक में, जहां जहां जरूरत है लिखो। लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर, ये भी क्वेश्चन आ चुका, इरावती रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ म्यांमार इज इरावडी। एंड हक्काबो राजी इज द हाइएस्ट पॉइंट, हक्काबो राजी इज द हाइएस्ट पॉइंट। हक्काबो राजी सबसे ऊंचा बिंदु है, ये दोनों क्वेश्चन आता रहता है। इरावदी रिवर और हक्काबो राजी, क्लियर है? नेबरिंग स्टेट विथ म्यांमार, म्यांमार के साथ पड़ोसी राज्य।
तो कल हमने एक ट्रिक सिखाया था क्या ट्रिक सिखाया था आना मम्मी म्यांमार है ना तो आना मम्मी म्यांमार में क्या हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर और मिजोरम आना मम्मी म्यांमार अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर और मिजोरम क्लियर है सबसे लंबी सीमा किसके साथ तो लिख लोगे अरुणाचल प्रदेश 520 फिर मिजोरम 510 फिर मणिपुर 398 और फिर नागालैंड 215 सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश के साथ फिर मिजोरम के साथ फिर मणिपुर और फिर नागालैंड पीडीएफ में एमसीक्यू के रूप में नहीं थे लेकिन थियरी में तो थे मेरे भाई सोनू ऐसा मत बोलो यार तो ये हो गए हमारे नेबरिंग कंट्री नेबरिंग स्टेट इट वॉज जापानीज ऑक्युपाइड बर्मा दैट इंडियन नेशनलिस्ट सुभाष चंद्र बोस डिलीवर्ड हिज गिव मी द ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे अभी भारत में एक अपील आई है कि कोविड से पहले लोग ब्लड डोनेशन दे दें क्योंकि ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि अभी लोग टीका लगवाना शुरू कर देंगे तो ब्लड नहीं ले पाएंगे हम तो ब्लड की कमी पड़ जाएगी जिस तरीके से सिचुएशन ख़राब हो रहा है और ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ वैसी स्थिति हो जाएगी जैसे अभी दवाइयों के लिए प्लाज्मा की कमी पड़ रही है तो ये हमारे लिए है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ से तो बर्मा से ही ये दिया था तो चाहो तो लिख सकते हो द टाइट द स्लोगन वाज गिव मी द ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम वाज लॉन्च फ्रॉम म्यांमार तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नीतीश कहीं मतलब सोर 60 पे मैंने 99 रुपीज़ में ही शुरू किया है वो ले लो पूरा स्टैटिक सुभाष चंद्र बोस चलो आजकल क्या है तुम मुझे खून दो मैं बेच दूंगा है ना ऑन 13 फरवरी 2001 इंडिया म्यांमार इनोग्रेटेड 250 किलोमीटर तामू केलेव केलेमियो हाईवे पॉपुलरली नोन एज इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप रोड ये क्वेश्चन आ चुका आपके एग्जाम में कि भारत ने जो इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप रोड बनाया है किस नाम से जाना जाता है तो लिख लोगे इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप रोड इज तामू कलेवा कलेमेयो हाईवे भारत म्यांमार मैत्री रोड करंट तो यूट्यूब पे पढ़ा देंगे करंट का मैटर दे देंगे वहां पर पीडीएफ ये भी एक प्रोजेक्ट हम लेकर के आए थे सी पोर्ट को आपस में जोड़ने के लिए तो लिख लेंगे कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट विल कनेक्ट सी पोर्ट ऑफ कोलकाता विद द सीटल सी पोर्ट ऑफ म्यांमार
स्वीटवी और कोलकाता सीपोर्ट को जोड़ने के लिए कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। लिख दिए। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट किन दो देशों के बीच में, म्यांमार इंडिया, म्यांमार का कौन सा जगह सिटवी और भारत का कोलकाता। और यदि लैंड वाइज आएंगे तो हाँ, भारत ने जो अपना पहला सर्जिकल स्ट्राइक किया है किसी दूसरे देश पर तो वो म्यांमार में ही किया है, उसके बाद पाकिस्तान वाले पे किया था। चल तो लिख लेंगे ऑपरेशन सनराइज टू, बल्कि टू क्या, दोनों ही, वन एंड टू बोथ आर रिलेटेड विथ सर्जिकल स्ट्राइक इन म्यांमार। ऑपरेशन सनराइज वाज रिलेटेड विथ सर्जिकल स्ट्राइक इन म्यांमार। सर्जिकल स्ट्राइक समझते हैं ना, जब किसी दूसरे देश की भूमि पर कोई देश हमला करता है उसके सहयोग से या उसके बिना इन्फॉर्मेशन के, देश को बजाय किसी खास चीज़ को नुकसान पहुंचाने के लिए, जैसे आतंकवादी कैंप होता है, कोई रिसर्च सेंटर हो सकता है, इस तरीके से। गोल्डन ट्रेंगल बहुत सारे देशों के बीच में, तो ये जनरली पूछेगा नहीं, ये जब भी कोई गोल्डन ट्रेंगल बनता है तो विवाद का कारण बनता है, तीन देशों के बीच में कोई जगह होता है तो जैसे यहाँ पर गोल्डन ट्रेंगल किसके किसके बीच, थाईलैंड, लाओस और म्यांमार, और यहाँ पर भी डिस्प्यूट का कारण है गोल्डन ट्रेंगल। इट इज़ यूज मोर द रेफर एंड एरिया ऑफ दिस, तो ये हमें ज़रूरत नहीं है, बस ये जानकर रखना है कि गोल्डन ट्रेंगल का डिस्प्यूट म्यांमार के साथ भी है। तो चले, हमने बोला था म्यांमार नया नाम है, ओल्ड नेम क्या था, बर्मा, कब चेंज हुआ था, 1989 में, नहीं, कैपिटल नेपट्यू, करेंसी लिख लो क्या, आत नेशनल एनिमल टाइगर, राष्ट्रीय पशु टाइगर, बट म्यांमार तो इंडिया का फ्रेंड है। अरे दोनों मिल के किए थे भाई आतंकवाद के खिलाफ, नॉर्थ ईस्ट में जो आतंकवादी बार बार कर रहे थे परेशान उनके लिए। नेशनल एनिमल टाइगर, नेशनल बर्ड ग्रे पिकॉक, नेशनल फ्लावर पडोक, नेशनल ट्री राष्ट्रीय वृक्ष, ग्रीन पीपॉल, अब से जो 20 में आया था उसमें हमारे पास कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं था, यदि उसको अच्छे से कर लियो तो भी ठीक है, नहीं कर पाए तो ले सकते हो, बाकी जरूरत है नहीं। इस समय कंटेंट हमारे पास पूरा रेडी हो चुका है, तो अब हमारे पास इजीली इजी अब आपको चीज़ों को अवेलेबल करा पाना। चल नेशनल गेम चिनलोने, नेशनल अंथम काबा मा के, लिख दिए। ये हमने बता दिया करेंसी क्या थे, प्रेसिडेंट अभी कोई काम का नहीं है इंडो का, नेशनल फ्लैग स्टार है, इंडो चाइनीज टाइगर है हमारे जैसा ही, ग्रे पीफॉल पेशेंट, नेशनल फ्लावर क्या लिखा था हमने, पेडुक, इसी का साइंटिफिक नाम दिया है, नेशनल ट्री बबुल
लिख दिए? नहीं तो ये लिख लेना, बबुल ब्रैकेट में। नेशनल फ्रूट तो लिखे नहीं थे, ये लिख लीजिए। कुकुम्बर ट्री, नेशनल डांस बर्मीज ट्रेडिशनल डांस, ये लिख लो बर्मीज ट्रेडिशनल डांस। कंप्लीट बुक की पीडीएफ 199 में दोगे क्या? उसी का तो चैप्टर दे रहा हूँ यार, एक एक करके जैसे जैसे तैयार होता जा रहा टॉपिक। एक बार बुक दूंगा तब तो 2 महीने लग जाए, तो रुका रहेगा तुम दे दिन। स्पोर्ट्स चीन लोन फुटबॉल के तरीके से, ये कुछ टोटल स्टेट ये लिख लो 14, प्रोविंस 7। ये इन्होंने कंफ्यूज कर दिया प्रोविंस और, हाँ ये एग्जैक्ट वर्ड था, वो मत लिखना। इनके जो स्टेट हैं उनको हम लोग डाइन कहते हैं। सेवन डाइन, डाइन को ही लिखना, रीजन को मत लिखना। और नेपिड कैपिटल भी है और यूटी भी है, जैसे दिल्ली है हमारा। नेशनल डिश मोहिंगा, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं मोहिंगा। नेशनल इंस्ट्रूमेंट स्वांग, नेशनल लीबर इरावदी तो बता ही दिया था, इंडिपेंडेंस 48 में। मेन रिलीजन बुद्धिज्म है, सेपरेट फ्रॉम इंडिया 1937। लार्जेस्ट सिटी यंगून, लार्जेस्ट रिवर इरावती, लॉन्गेस्ट रिवर इरावती, हाँ लेक लिख लो, लार्जेस्ट लेक इंदावगी लेक। गर्ल्स एंट्री कर दो गुरुकुल, अभी तो कोई सा भी गुरुकुल नहीं चल रहा है। एक बार गवर्नमेंट को परमिशन दे दो फिर देखते हैं। गुरुकुल में एडमिशन के लिए न्यू बैच कब से है? 3 मई को था, अभी सस्पेंड कर दिया है। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल है ऑलरेडी, जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ सारा टेलीग्राम पे डाला हुआ। लॉन्गेस्ट लेक हो गया, हाईएस्ट पीक हकाबो राजी लिख लिए, लोवेस्ट पीक लिख लेना अंडमान सी। हालांकि ये अंडमान निकोबार का पड़ोसी है समुद्री हिस्से में। नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, लाओस, थोड़ा बहुत थाईलैंड। सबसे बड़ा नेबरिंग कंट्री कौन सा है? थाईलैंड, ये भी अच्छा है। उसमें नाम नहीं लिखे थे ना पांचों का, लिख लो। लोअर हाउस को हम क्या कहते हैं? मजलिस कहते हैं। लैंग्वेज बर्मी है, एकमात्र म्यांमार के नागरिक जिनको नोबेल प्राइज मिला तो कौन थे? आन सांग सू की, पीस का। पैगोडा ये आ चुका है तो लिख लेना। स्वीट डेगन पैगोडा इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट पैगोडा,
गोल्डन पैगोडा, कहाँ पर? यंगून म्यांमार में। पैगोडा मतलब बुद्ध मंदिर जनरली होता है। लिख दिए। अब यहाँ तक तो था थियरी, अब इस पर एमसीक्यू जो सीसी ने पूछे हैं, अब देखते हैं हम कितना कवर कर पाते हैं, कितना और हमें देखने की जरूरत है। दीफू दर्रा, तो ये हमारे इंडिया का ही है, तो भारत म्यांमार और चीन के बीच, तो म्यांमार और भारत के बीच में तो कोई बाउंड्री है नहीं इस तरीके का नाम का, तो अब चीन और भारत आ गए तो क्या होगा? मैकमोहन लैंड, अराउंड द डिस्प्यूटेड ट्राइब बॉर्डर ऑफ चाइना इंडिया एंड म्यांमार पास इज ऑल्सो स्ट्रेटजिक अप्रोच ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो लिख लो एक पॉइंट, दिफू दर पास इज सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इट इज अ डिस्प्यूट बिटवीन, या मत ये मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है, ये हटा दो, ये करेंट था उस समय का, ये भी उस समय का करेंट है। हाँ, विच माउंटेन ऑफ इंडियन इंडियन ईस्टर्न बॉर्डर, हमने पढ़ाया था माउंटेन टॉपिक, तो पूर्वांचल वाला हिस्सा। ये भी इस समय का करंट था तो ये छोड़ देंगे। द इंडियन शिप विल टेक पाथ इन द एर्थ इंडो म्यांमार कोऑर्डिनेट पेट्रोल इज, भारत म्यांमार समन्वित गश्ती में पार्थ को क्या कहा गया था? तो हटा दो, ये करंट में आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन, या लिखना है जीके के पॉइंट व्यू से तो 2013 का है, लिख ही लो बल्कि। द इंडियन शिप दैट वाज टेक पार्ट इन द इंडो म्यांमार कोऑर्डिनेशन पेट्रोल इज, भारत का वो जहाज जो भारत म्यांमार के 8वीं गश्ती में शामिल हुआ है। जूम का ऑप्शन नहीं है भाई, लिख लेंगे। बी बी वाज द INS सरयू, ये जब डिफेंस सर्विस वाला आएगा उसमें आएगा ये कि भारत म्यांमार के साथ कौन सा है, चीन के साथ कौन सा है, तो ये भी करेंट है उस समय का। हाँ, तो बाकी का तो हमें पता नहीं है, तो म्यांमार और न्यापिड हमने सीख ही लिया। बताओ, अभी हमने पढ़ा था हाईएस्ट माउंटेन पीक इन म्यांमार, देखे इस तरीके का क्वेश्चन है, यह आया हुआ क्वेश्चन है सर, अपनी पीली बुक से उठाया गया क्वेश्चन। म्यांमार की राजधानी 2005 में क्या हो गई थी? न्यापिड। तो पहले क्या था? रंगून, लिख लेंगे। ओल्ड कैपिटल ऑफ म्यांमार वाज यंगून, हमने नहीं लिखा था कहीं। आई यंगून टू म्यांमार वाज शिफ्टेड इन 2005। हम वही तो कहते हैं जो पढ़ाएंगे उसी में से आएगा, या तो बिल्कुल ऐसा आएगा जो पढ़ाया नहीं जा सकता, अदरवाइज जो पढ़ाया होगा उसी में से मिलेगा। लेकिन कितना मुश्किल है सब पढ़ना, नहीं क्या लग रहा था? जो लोग बाकी लोग, उन सबको आता होगा क्या? ये नहीं आता होगा ना, लेवाते नहीं क्यों? इंसान को अच्छा और बुरा पहचानने नहीं आता है, इंसान को सरल और टफ पहचानने आता है। तो इंसान क्या चाहता है? सरल रास्ते पे चलना,
जिस दिन आदमी के अच्छे और बुरे की पहचान हो जाएगी, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी लाइफ में। यही कारण है कि सरकारें बदमाशी कर रही हैं। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विथ विच कंट्रीज टू ईस्ट, ईस्ट हिस्से में किसके साथ शेयर कर रहा है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ कहाँ? वेस्ट। भूटान और अफगानिस्तान के साथ, ये तो वेस्ट ईस्ट नॉर्दर्न हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। चाइना नेपाल भूटान के साथ नॉर्दर्न हो जाएगा। तो बच कौन सा गया? म्यांमार और बांग्लादेश। ये भी अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है? आना मम्मी म्यांमार है ना, तो कौन सा बच गया? सिक्किम। अब ये हमारा अपना बनाया हुआ क्वेश्चन है, ये लिख लो। कोचिन हिल्स मेक अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड विच नेबरिंग कंट्री? भारत और म्यांमार के बीच में। चिटवेल रोड कनेक्ट्स विथ इंडिया विथ अमंग द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री? स्टील वेल रोड, तो चाइना को आने दो, फिर देखेंगे। सिक्किम किसके साथ सीमा साझा नहीं करेगा? नेपाल भूटान चीन बांग्लादेश, तो ऑप्शन वाइज किसको नहीं करेगा? बांग्लादेश के साथ नहीं करेगा, क्योंकि नेपाल और भूटान तो ये बीच में, सिक्किम और इधर ही तो चाइना। क्या इज द करेंसी ऑफ म्यांमार? कितने राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? चार। आना मम्मी म्यांमार। चलिए अब रही बात बांग्लादेश, 40 मिनट पढ़ाई देते हैं। बच क्या क्या गया अभी? श्रीलंका बांग्लादेश मालदीव और चाइना, चार। तो अपन लोग कहाँ कहाँ डिस्कस कर चुके? नेपाल कर चुके, भूटान कर चुके, म्यांमार कर चुके, पाकिस्तान कर चुके और अफगानिस्तान कर चुके, नहीं पांच कर ले। अब हम बात करने जा रहे हैं क्या? म्यांमार, सॉरी बांग्लादेश। थोड़ा थोड़ा इसका मैप इंडिया से मिलता जुलता लगता है क्या, ऊपर वाला हिस्सा? नहीं, यदि ऐसा हो जाता तो छोटा इंडिया हो जाता, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम बहुत है, ये बाढ़ ही बाढ़ है इसके पास। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ मिलती है? बांग्लादेश के साथ। तो लिखो लार्जेस्ट नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। सब कुछ मिलेगा 99 वाले जीके में। हाँ ये सब कुछ मिलेगा 99 में।
याद है ट्रिक याद करने का, नेबरिंग कंट्री का? भूल गए? बचपन में MBA नहीं, क्या था मतलब? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो ये क्रम लगाने के लिए तो पूछ लेते। तो 4096 किलोमीटर है बांग्लादेश के साथ। जून में गुरुकुल ज्वाइन कर सकते हैं, गवर्नमेंट परमिशन देगी तो कर सकते हैं। लिखो नेबरिंग स्टेट। सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल, 2216.70। उसके बाद लिखना त्रिपुरा। त्रिपुरा उसके बाद साथियों मेघालय, फिर मिजोरम और फिर मित्रों असम। क्लियर है? और चार को जोड़ देंगे तो 4096 किलोमीटर। ये भी कैसी कंट्री होगी? साउथ एशिया। इसके दो ही नेबरिंग कंट्री है, भारत और म्यांमार। उधर चाइना से मिलना हो तो सिक्किम पार करके जाएगा, नेपाल से जाना हो तो सिलीगुड़ी, भूटान जाना हो सिलीगुड़ी पार करके, मतलब भारत होके ही ये जा पाएगा इन तीनों के साथ। लिख लोगे चटगांव इज द लार्जेस्ट सी पोर्ट। चटगांव इनका सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है। एंड ढाका इज द लार्जेस्ट कैपिटल, लार्जेस्ट सिटी एंड कैपिटल। गुरुकुल कहाँ पर है? वहीं जहां कोई आता जाता नहीं। तो मैंने कब में पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए तुम्हें, गुरुकुल कहाँ पर ये पता नहीं है तो। तो कैपिटल कौन सा? ढाका। सबसे बड़ा शहर ढाका, सेम हो गया। जैसे वहां पे नया पीढ़ और रंगून अलग अलग था, यहाँ पे दोनों सेम है। ये हमने बताया था सिलीगुड़ी कॉरिडोर पार करेगा तो नेपाल भी चला जाएगा, भूटान भी चला जाएगा और बांग्लादेश जाना हो तो सिक्किम पार करेगा, चाइना जाना हो तो। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहाँ पे है? तो ये क्या नाम है, वेस्ट बंगाल वाले इसे। तो हमारा जो लाइन था वो किसके किसके बीच में था? रेड क्लिफ, भारत, पाकिस्तान। तो ये भी पाकिस्तान का पार्ट था, पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, तो बाद में अलग हो गया। चल ख्वाजा नजामुद्दीन वाज द ईस्ट बंगाल फर्स्ट चीफ मिनिस्टर विद फ्रेडरिक चार्मसर वाज इट्स गवर्नर। कब? जब ये राज्य था। ये रेड क्लिप ने बनाया था, एक इधर एक उधर। देख लेंगे। इन 1971 बांग्लादेश सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान
कोई लाइव बैच भी है स्टडी का? हाँ लाइव बैच तो चल रहा है, उसी के तहत तो पढ़ रहे हो तुम, ये ऑलरेडी बैच वालों के लिए ही चल रहा है, तो वैसे फ्री में चल रहा है अभी कुछ दिन से यूट्यूब पे। सेपरेट फ्रॉम इन 1971, 1971 में 16 दिसंबर 1971 को अलग हो गए थे। लिख लेंगे, बांग्लादेश डिवाइडेड इन 8 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, 8 प्रशासनिक हिस्सों में बटा हुआ, 8 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। चलो 8 प्रशासनिक हिस्सों में बटा हुआ, रंगपुर, मेमनसिंह, राजशाही, खुलना, ढाका, बरिशाल, चिटगांव, सेटल, है ना? चलो थोड़ा बहुत इनके बारे में जान लो, थोड़ा बहुत हमने बताया था पाकिस्तान वाले दिन। हमने कहा था कि बांग्लादेश दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक ईस्टर्न पाकिस्तान और एक वेस्टर्न पाकिस्तान। तो यदि हम मैप वाइज बात करें तो ये है ईस्टर्न पाकिस्तान, ज़्यादा मेजोरिटी, ज़्यादा संख्या यहीं पर है, और ये है ईस्टर्न, छोटी संख्या है। राजधानी इनकी कहाँ पे थी? यहीं पर थी, इस्लामाबाद। सारा काम यहीं चलता था, ये स्टेट के रूप में ट्रीट किया जाता था। तो सरकारें भी लगभग यहीं की पार्टियां बना लिया करती थी। तो यहाँ के जो लोग थे उनको लगता था कि हमारे साथ तो दोहरा बर्ताव किया जा रहा है, हम हमारे देश में, हम देश के रूप में सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। तो इसी बीच में कुछ लोगों को लगने लगा कि नहीं, हमारा भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और इस बात को लेकर के यहाँ के जो भी शेख हसीना हैं, उनके पापा मुजीबुर रहमान है ना, की पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया। तो जब बहुमत हासिल कर लिया तो इनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। लेकिन उधर जो याह्या खान थे मिलिट्री जनरल, उनका कि नहीं आप सरकार नहीं बना सकते, तो इन लोगों ने विरोध किया कि नहीं हम बनाएंगे। तो इन्होंने ऑर्डर पास किया कि जितने ईस्टर्न पाकिस्तान वाले लोग हैं जो इनके पार्टी के समर्थक हैं उनको शूट एंड साइट का ऑर्डर पास कर दिया गया कि इनको मारो। और स्थिति यह हो गई कि 25 तारीख की शाम तक आते आते मार्च में 1971 में बड़े लेवल पर बहुत सारे लोगों को ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत ढूंढ ढूंढ के मारना शुरू कर दिया गया। मुजीबुर रहमान को जेल में पकड़ लेके डाल दिया गया, बड़े लेवल पर विद्रोह शुरू हो गया कि हमारे नेता को जेल से छोड़िए। इतने बड़े लेवल पर हमला होने लगा कि लोग भारत की तरफ भागकर आने लगे। अब भारत को मजबूर होकर के, इंदिरा गांधी के शब्दों में, उनके सपोर्ट में जाकर के लड़ाई लड़नी पड़ी, और इस तरीके से उनको जेल से छुड़ाया गया और एक नए देश का निर्माण हो गया, बांग्लादेश का। तो हमारे लिए क्या है, दो तीन पॉइंट काम का है कि ऑपरेशन सर्च लाइट क्या था, तो उनसे संबंधित है ये। जब हम ऑपरेशंस पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आएगा ये ऑलरेडी, क्या कहानी थी, कैसे अलग हुए, क्यों भारत को इंटरफेयर करना पड़ा। हालांकि पाकिस्तान कहता है कि झूठी बात है, आपने जानबूझ करके इनको सपोर्ट करके हमें, हमारे देश को तोड़ दिया। सच्चाई लगभग यही, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे नहीं, आपकी वजह से दिक्कत हो रहा था, इसलिए हमें मानवता के नाते उन लोगों को मदद करना पड़ गया। क्योंकि आपको बहुत आश्चर्य होगा, विश्व में जितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई सब मानवता के नाम पे लड़ी गई। अफगानिस्तान में अमेरिका गया तो यही कहा कि मानवता को ठीक करेंगे, जितनी, क्योंकि नेताओं के साथ बड़ी बात है कि वो अपने हर काम को जस्टिफाई कर लेते। लिख लेंगे, लार्जेस्ट डेल्टा इन वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा,
गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा सिचुएटेड इन बांग्लादेश. और कौन सा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा? इनका ऑफिशियल लैंग्वेज एंड नेशनल लैंग्वेज लिख लो बंगाली. आधिकारिक भाषा और राष्ट्रीय भाषा बंगाली. सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप नस्ली समूह बंगाली है. रिलीजन इस्लाम है. गवर्नमेंट लिखना यूनिटरी है क्योंकि अभी हमने देखा था स्टेट नहीं है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव है. डोमिनियन पार्टी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक. ये सब लिखने की जरूरत नहीं. संसद का नाम लिख लो जातीय संसद. जब यूनिटरी हुआ तो यूनिकैमरल होगा ही होगा क्योंकि स्टेट है ही नहीं, तो बाइकैमरल की जरूरत नहीं पड़ेगी. जातीय संसद लेजिस्लेचर दैट इज नेशनल असेंबली. टोटल मेंबर 350. देखो 350 में से 50 फॉर वुमेन्स. कितना बढ़िया देश है. 50 महिलाओं के लिए रिजर्व है. भारत आज तक ये नहीं कर पाया. बांग्लादेशी फॉरेन पॉलिसी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ फ्रेंडशिप टू ऑल एंड मिलिट्री टू नन. द फर्स्ट सर्कुलेटेड बाय बंगाली स्टेटमेंट एच एस सुहरावर्दी इन 1957. इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान इन्होंने 26 दिसंबर को किया था, सॉरी 26 मार्च को, लेकिन स्वतंत्रता कब मिली थी? 16 दिसंबर को, विक्ट्री डे. तो लिख लोगे इंडिपेंडेंस डिक्लेयर ऑन 26 मार्च 1971. आपने देखा एक मूवी बनी है 16 दिसंबर हमारे वहाँ, जासूसी वाली मूवी. एनआरसी मैंने पढ़ाया हुआ डिटेल में, बाकी फिर कभी डिस्प्यूट आएगा तो पढ़ा देंगे, या सिटीजनशिप वाले जो टॉपिक पढ़ाएंगे तब पढ़ा देंगे. विक्ट्री डे 16 दिसंबर 1971 और कॉन्स्टिट्यूशन डे एक साल बाद 16 दिसंबर 1972. विजय दिवस 16 दिसंबर 1971. लिख दिए. कैपिटल ढाका. करेंसी लिख दिए टका. स्टेट नहीं बोल सकते. एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया 8 था. नेशनल गेम कबड्डी.
हमारा नेशनल एंथम और इनका नेशनल एंथम दोनों किसने लिखा है? रविंद्र टैगोर. इनका नेशनल एंथम अमार सुनार बांग्ला 1972. नेशनल एनिमल बंगाल टाइगर. एंड नेशनल बर्ड डोयल. अमार सुनार बांग्ला 1972. नेशनल एनिमल बंगाल टाइगर. नेशनल बर्ड डोयल. कबड्डी बंगाल टाइगर डोयल. नेशनल ट्री मैंगो ट्री. नेशनल ट्री मैंगो ट्री. नेशनल फ्लावर वाटर लिली. नेशनल रिवर जमुना. जमुना क्या है? तो ब्रह्मपुत्रा का नाम, वहाँ पर जमुना है. फिर जब ब्रह्मपुत्रा और गंगा मिल जाएंगी तो फिर हम इसे पद्मा के नाम से जानेंगे. हमने पढ़ा रखा है वैसे शायद आप लोग को. चलो फर्स्ट प्रेसिडेंट लिख लेना, शेख मुजीबुर रहमान. लॉन्गेस्ट रिवर मेघना. ये देखो यहाँ पे जमुना, ये पद्मा, और जब मिल जाएंगे तो फिर मेघना. समझ पा रहे हैं? पद्मा कौन है? गंगा. जमुना कौन है? ब्रह्मपुत्रा. और दोनों मिल गए तो, और यही था सबसे लंबा रिवर, तो इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. तो जहां मेघना लिखे हो लिख लोगे गंगा प्लस ब्रह्मपुत्रा. और ब्रह्मपुत्रा को हम क्या कह रहे हैं? जमुना. और गंगा किस नाम से हो जा रहा है यहां पर? पद्मा के नाम से. तो ये ऐसे याद रखना है, जीपी जो मेट्रिकल प्रोग्रेशन आप पढ़ते होंगे, एपी जीपी. और ये हमने क्या कहा? मेघना. तो याद रखना. मैंगो ट्री, वाटर लिली लिख चुके, चाहे तो लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कुल कितने आर्टिकल हैं. संविधान में कुल
टोटल आर्टिकल 153, 153, ये तो हम पढ़ ही चुके, 350, 300 प्लस 50 फॉर वुमेन, लार्जेस्ट लेक कप्ताई लेक, और ढाका को हम सिटी ऑफ मॉस्क्यू, मस्जिदों का शहर। हाईएस्ट अवार्ड बांग्लादेश फ्रीडम ऑनर, और इन्होंने किसको दिया था, इंदिरा गांधी को, कि उनके सहयोग से ही हुआ था। नेशनल पार्क लिख लो, भावल डिस्ट्रिक्ट, नेशनल टेम्पल ढकेश्वरी टेम्पल, राष्ट्रीय मंदिर ढकेश्वरी टेम्पल, नेशनल मॉस्क्यू राष्ट्रीय मस्जिद, बैतुल मुकारम नेशनल मॉस्क्यू, ये सब काम का क्वेश्चन है। नेशनल मैमल राष्ट्रीय जलीय जीव या राष्ट्रीय जीव गंगा रिवर डॉल्फिन, हमारे वहाँ भी जलीय जीव गंगा डॉल्फिन ही है, जैसे पाकिस्तान का इंडस डॉल्फिन था। नेशनल कैलेंडर बुगबाडो या बुंगाबडो, हमारा नेशनल कैलेंडर कौन सा है, शक संवत, नेशनल म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम ऑफ बांग्लादेश एंड फादर ऑफ नेशन शेख मुजीबुर रहमान, इन्हीं के पापा जी शेख हसीना के। चले ये भी हमने पढ़ा था, इनका नेशनल टेम्पल है। मोदी जी शायद अभी यहीं गए थे क्या, फोटो तो ऐसे ही दिख रहा है, नहीं, गंगा डॉल्फिन, शेख मुजीबुर रहमान स्मार्ट दिख रहे हैं। यहाँ पे छोड़ दो, फिर आगे कल देखेंगे इसको, एरिया ऑफ कंटेंशन, विवाद के बिंदु, तब थोड़ा बहुत हम ये बता पाएंगे जो भी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ, जिसके हमने संविधान में 100वां संशोधन किया, इसमें 10 मिनट इसमें लगेगा कम से कम। तो आज यहीं रखेंगे, फिर अगली क्लास में कल मिलते हैं 10:30 बजे। चलिए, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, बाय, जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर।